और डिजिटल यूनिवर्सिटी डॉट एसी, ये लिंक मुंबई यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए दिया गया है। इस लिंक पे जाने के बाद आपको ये स्क्रीन अवेलेबल होगी। इस स्क्रीन पे डायरेक्ट आपको क्लिक करना है प्री एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे। ये इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी वो आएगी लॉगिन और रजिस्टर के लिए। सारे स्टूडेंट्स नए होंगे, न्यूली रजिस्टर होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के पोर्टल पे, तो आपको डायरेक्टली क्लिक करना है रजिस्टर। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म फिलअप के लिए आएगा। फॉर्म फिलअप में आपको डिटेल्स फिलअप करने हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, रिलेशन टाइप, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारे डिटेल्स आपको जो एचएसई और एसएससी के सर्टिफिकेट्स को होंगे एज इट इज वही फिलअप करने हैं। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों में इतना ध्यान रखना है, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि ध्यान रखना है कि दोनों वैलिड और अवेलेबल हो जिसपे हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको क्लिक करना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट क्राइटेरिया दिया जाएगा कैंडिडेट स्टूडेंट और एग्रीमेंट का। उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, एक ईमेल आईडी होगा आपका, वो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस जो वैलिड है। फिर कास्ट, और इनके इनके सब कास्ट में आप कोई कास्ट की कैटेगरी में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट नेसेसरी होगा। पासिंग मार्कशीट लगेगा सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन का। ये सारे डिटेल्स आपको पढ़ के टिक करने हैं और एग्री पे टिक करना है। अभी रुपेश, रुपेश, कैन यस यू जस्ट प्लीज। एडजस्ट एडजस्ट योर माइक? योर वॉइस इज नॉट ऑल दैट क्लियर। इधर यू एडजस्ट माइक इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर नेटवर्क, देन वी कैन आस्क योगिता टू टेक ओवर। फर्स्ट चेक वेदर योर माइक इज प्रॉपर बिकॉज यू आर नॉट सो मच क्लियर। मैम, आई थिंक सो इट इज अ नेटवर्क इश्यू या सो इफ एक्चुअली। योगिता इज अराउंड कैन योगिता टेक ओवर बिकॉज योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सो इज योगिता अराउंड? कैन योगिता टेक ओवर? यस अनीता, डोंट वरी, योगिता इज देयर, योगिता कैन टेक ओवर। हाँ, ओके रुपेश, थैंक यू वेरी मच। यू कैन कंटिन्यू प्रेजेंटेशन। और योगिता, डू यू वांट टू प्रेजेंट? मैम, मैं प्रेजेंट करूँ चलेगा? चालेल। हाँ, कारण मला म्हणायचं सांगावं लागेल तुम्हाला म्हणून। प्लीज स्टॉप शेअरिंग द स्क्रीन। ओके, चालेल। स्क्रीन शेयरिंग। हिमांशु मिश्रा, आपका स्टॉप शेयरिंग करना। स्टूडेंट प्लीज स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। स्टॉप हिमांशु प्रेजेंटिंग। मिश्रा, थैंक यू। Stop screen. I will have to. Yes, we agree that there is a problem in the network and that we will have Yogita miss to continue with the presentation. Yogita, starting पासूनच कर. हाँ, presentation is yes, yes, Yogita, yes. Please, please continue. Okay. गुड इवनिंग एवरीवन। आपको यहाँ पे वेलकम टू पाटुगला कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। कॉलेज कोड इज 628। कॉलेज कोड आपको ध्यान में रखना है। इसका जो इम्पोर्टेंस है आपको मैं बाद में, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप करोगे तभी आपको मैं बताती हूँ कि कॉलेज कोड आपको ध्यान में क्यों रखना है। और ये कॉलेज कोड है 628। ओके, तो यहाँ पे आप 12th होने के बाद 13 में एडमिशन लेते हो तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। और उसके अलावा ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो क्यों ज़रूरी है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो आपको पहला वो मैं बता देती हूँ।
तो ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप करते हो, तभी वो कॉलेज वहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट करते हो। तो कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद आपका जो ऑनलाइन फॉर्म आपने फिलअप किया हुआ रहता है वो कॉलेज में आपको सबमिशन होता है। वो कॉलेज में सबमिशन होने के बाद कॉलेजेस आपको कॉलेजेस वो फॉर्म जो आपने सबमिशन किया है वो फॉर्म आपका वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपको मेरिट लिस्ट लगेगा। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो ही आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। मतलब इसका मतलब यही है कि आप जब तक यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिलअप करते हो तब तक आपको कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए आपको प्रॉपरली यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिलअप करना जरूरी है। तो जो मुंबई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन एकेडमिक ईयर 2020-21, इसमें जाने के लिए आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट है यहाँ पे mum.digitaluniversity.ac, ये जो आपका है ये यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। इसको आपको गूगल में एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको ये साइट ओपन होगा। ये जो पेज मैंने शेयर किया है वो पेज आपको शेयर होगा। तो ये शेयर होने के बाद क्लिक हियर फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2020-21, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आपको क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ये पेज आपको ओपन होगा। ये पेज में आपको यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हो 13 में, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर बटन है, वो रजिस्टर बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपको ये जो स्क्रीन है वो शेयर हो जाएगा। ये जो पेज न्यू रजिस्ट्रेशन का दिख रहा है वो आपको शेयर हो जाएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे जो आपका इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रखना है। आपका जो 12th का मार्कशीट है उसमें जो डिटेल्स रहेगा वही आपको प्रॉपरली फिलअप करना है। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या फिलअप करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रिलेशन टाइप, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आपको डिटेल्स फिलअप करना है। तो इसमें एक बात याद ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम और जो मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये जो डाल रहे हो चीज वो आपको 12th का मार्कशीट है उसके ऊपर आपको जो आपको आपका नाम और रहेगा वो प्रॉपरली यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आपको सेकेंड वन चीज याद रखना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जो आप मोबाइल नंबर दे रहे हो वो सही, जो सही वाला नंबर है वो ही यहाँ पे आपको डालना है। इसका रीजन है कि आप अगर मोबाइल नंबर सही नहीं देते हो तो आपको जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपको टेक्स्ट मैसेज नहीं आएगा। इसलिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको राइट देना है। मतलब आप सही मोबाइल नंबर दोगे तो आपको मोबाइल नंबर के ऊपर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, इसलिए मोबाइल नंबर राइट देना है। उसके बाद ईमेल आईडी। ईमेल आईडी मोस्टली स्टूडेंट के पास ईमेल आईडी नहीं है, तो आपको ईमेल आईडी या तो क्रिएट करो या तो आपके ब्रदर सिस्टर्स जिसका भी आपको ईमेल आईडी है रनिंग में लॉग इन करते हो वही आपको ईमेल आईडी यहाँ पे शो लिखना है, ठीक है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट स्टूडेंट एग्रीमेंट करके एक पेज आ जाएगा। इसमें आपको बताया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय या तो रजिस्टर करते समय आपको क्या क्या इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आपको शेयर किया है। तो यहाँ पे आपको बोला है सॉफ्ट कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद आपका ओन ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको कंपलसरी चाहिए। उसके बाद अगर कास्ट में हो तो कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए, 10th का मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपको केयरफुली पढ़ना है। इसके बाद ही आप एग्री बटन के ऊपर क्लिक करना है। एग्री बटन के ऊपर क्लिक करते ही जो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा था ना वही आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली वापस एक बार वेरीफाई करो कि आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रॉपरली डाला है कि नहीं। उसके बाद आपको रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करके पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि वन टाइम पासवर्ड यानी कि आपका मोबाइल नंबर आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में डाला था वही नंबर पे आपको टेक्स्ट मैसेज करके आ जाएगा वन टाइम पासवर्ड। वही वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे स्क्रीन पेज जो ओपन हो रहा है यहाँ पे बोला है प्लीज एंटर न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, यानी कि आपको न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। ये जो पासवर्ड है न्यू पासवर्ड ये आपको खुद से क्रिएट करना है। आपको जो आपको टेक्स्ट मैसेज और आ रहा है वही नहीं, आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में भी डालना है और सेट पासवर्ड करके क्लिक करना है। सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते ही आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये लॉगिन पेज है जो आपने यहाँ पे रजिस्टर किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड तो अभी आपके पास है तो यहाँ पे यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। तो इसके बाद आपको लॉग इन करके यहाँ पे क्लिक करना है। लॉग इन करने के बाद इन केस समझो आपका जो पासवर्ड है पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो तो आपको यहाँ पे बोला है फॉरगॉट यूजर नेम और पासवर्ड, मतलब अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको फॉरगॉट यूजर नेम और पासवर्ड जो आपको चाहिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालना है, यूजर नेम, डेट ऑफ बर्थ और मदर्स नेम, ये सब कुछ डालने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज पासवर्ड का आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपने लॉग इन किया। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको ये जो वेलकम वेलकम करके दिख रहा है यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होते ही आपको ये जो पर्सनल एड्रेस, एजुकेशन, रिजर्वेशन, फोटो साइन, कॉन्टेक्ट, ये पूरा डिटेल्स, मतलब ये आपका फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है यूनिवर्सिटी का, ये सब कुछ आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको देखो क्रॉस मार्क्स दिख रहा है पर्सनल के ऊपर, एड्रेस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर क्रॉस दिख रहा है, मतलब आपने ये फिलअप नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे जो सर्कल दिख रहा है वो ध्यान से देखो, सर्कल में आपको कुछ भी फिलअप किया नहीं दिख रहा है, आपको ब्लैंक दिख रहा है। तो ये सब कुछ फिलअप करने के लिए यहाँ पे फिल प्रोफाइल करके है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल्स करके ऑप्शन आएगा। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको जो भी इंफॉर्मेशन पर्सनल है यहाँ पे पूछा गया है इंफॉर्मेशन आपकी, तो यहाँ पे आपको डालनी है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा है एप्लीकेंट नेम। एप्लीकेंट नेम में लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, रिलेशन टाइप, फादर्स फर्स्ट नेम, मदर्स फर्स्ट नेम, मदर्स नेम इन अ रीजनल लैंग्वेज, यानी कि मदर्स नेम इन अ रीजनल लैंग्वेज मीन्स मराठी में या हिंदी में आप यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद बोला है एप्लीकेंट नेम ऑन अ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, मतलब आपकी जो 12th का मार्कशीट है उसके ऊपर जो आपका नाम दिख रहा है ना वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद बोला है नेम इन अ रीजनल लैंग्वेज मीन्स वही जो आपका मराठी या हिंदी में आप नाम लिखते हो ना वैसे ही यहाँ पे आपको लिखना है, एंटर करना है। उसके बाद आपको बोला है अगर आपका नेम चेंज होता है आफ्टर मार्क पासिंग के बाद, अगर 12th के पासिंग के बाद अगर नेम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चेक बॉक्स दिखाई देगा, तो चेक बॉक्स में आपको नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर पूछा है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और मदर टंग, ठीक है। इसके बाद ये सब कुछ फिलअप होने के पास नेक्स्ट पेज पे जाना है, नेशनलिटी डिटेल्स, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आपका नेशनलिटी जो भी है इंडियन, डोमिसाइल ऑफ स्टेट महाराष्ट्र स्टेट, अदर डिटेल्स में आपको डालना है आधार नंबर आपका। उसके बाद अगर आप वोटर आईडी में रजिस्टर हो तो आपको यस बोलना है,
अगर नहीं किए हो तो नो बोलना है, अगर यस बोला तो यहाँ पे आपको वोटर आईडी का नंबर डालना है, उसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। एजुकेशन गैप इन ईयर्स, यानी कि आप अगर 2016 में करते हो और अप्लाई 13 के लिए 2020 में करते हो, तो जो भी गैप पीरियड से वो यहाँ पे मेंशन करना है। आर यू फर्स्ट ग्रेजुएट इन योर फैमिली, अगर फर्स्ट हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। ब्लड ग्रुप डालना है आपका जो भी है, और सेव और प्रोसीड करना है। सेव और प्रोसीड होने के बाद आपको आएगा एड्रेस डिटेल्स, तो एड्रेस डिटेल्स में करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ऐसे दो कॉलम दिख रहे हैं आपको। तो इसमें आप अगर रेंटल बेसिस पे रह रहे हो तो आपके दो एड्रेस रहेंगे, मतलब जो रेंट पे रह रहे हो करस्पॉन्डेंस एड्रेस में डालना है, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस में डालना है। तो आपको जो, अगर आप दोनों समझो रेंट पे नहीं रहते हो, सेम एड्रेस है करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे लिंक यहाँ पे चेकबॉक्स ऐसा दिया है, इफ परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप फिलअप करोगे तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ये सेम कॉपी हो जाएगा, और सेम एंड प्रोसीड करके उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स में आपको 10th और 12th कंपलसरी, 10th का भी आपको मार्क्स फिलअप करना है और 12th का भी। तो ये फिलअप करने के लिए एसएससी के सामने ऐड बटन है, ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। ऐड बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपको एसएससी डिटेल्स आपको डालने के लिए ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोर्ड इंडियन सिलेक्ट स्टेट, आप महाराष्ट्र स्टेट से कर रहे हो तो महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट बोर्ड, आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से कर रहे हो तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एसएससी कर रहे हो तो स्कूल नेम आप जो भी है यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट, सीट नंबर आपका, मार्कशीट नंबर, इफ योर रिजल्ट हैज अ ग्रेड और मार्क्स, मतलब अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से कर रहे हो तो मार्क्स के ऊपर सिलेक्ट करना है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे डालना है, आउट ऑफ जो भी रहेगा यहाँ पे डालना है, और परसेंटेज आपका आ जाएगा। समझो अगर एसएससी आपने सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ग्रेड सिलेक्ट करना है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के लिए ग्रेडिंग सिस्टम है, तो आपको ग्रेड सिलेक्ट करने और यहाँ पे ग्रेड ऐसे डालना है। उसके बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद वापस एचएससी डिटेल्स सेम डालना है, आपको बोर्ड डालना है, सिलेक्ट सेट करना है, सिलेक्ट बोर्ड करना है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से कर रहे हो तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन डालना है। उसके बाद आपका आ रहा है स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी कि आप कौन से सेक्शन से हो, साइंस सेक्शन, कॉमर्स सेक्शन, एमसीबीसी, जो भी आपका सेक्शन रहेगा यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको आ रहा है कॉलेज नेम, तो आपका जो भी 12th का कॉलेज का नेम है यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद रिजल्ट स्टेटस आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको सीट नंबर डालना है। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यानी कि अगर आप यहाँ पे कितने अटेम्प्ट में पास होते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, जो भी अटेम्प्ट रहेंगे तो यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ रिजल्ट डालना है, मार्कशीट नंबर डालना है। अगर इफ योर रिजल्ट हैज अ ग्रेड और मार्क्स, मैंने जैसे भी बोला आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से कर रहे हो तो यहाँ पे मार्क्स के ऊपर ही क्लिक करना है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन डालना है, आउट ऑफ जितना भी है, और परसेंटेज डालने हैं, ओके। और एक चीज है इसमें, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो यहाँ पे मैथमेटिक्स मार्क्स ऑप्टेन, मतलब आप साइंस स्टूडेंट हो गए तो यहाँ पे मैथ्स के जो ये जो है मार्क्स है यहाँ पे आपको एंटर करना है और सेव करना है।
सेव करने के बाद आपने जो भी डिटेल्स आपने डाले हैं 10th और 12th के, यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आपने प्रॉपरली फिलअप किया है। फिलअप करने के बाद अगर बाय चांस आपका यहाँ पे पासिंग डेट रॉन्ग हो गया तो यहाँ पे एडिट करके ऑप्शन दिया है, तो एडिट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपका राइट कुछ रॉन्ग है तो वहाँ पे राइट करना है और प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको आ रहा है रिजर्वेशन डिटेल्स, तो रिजर्वेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मतलब आपके जो भी कैटेगरीज है, ओपन कैटेगरी है तो जनरल लिखना है, एससी ओबीसी विजेंटी जो भी कैटेगरीज है यहाँ पे आपको लिखना है। स्पेशली एबल डिटेल्स मतलब आप अगर हैंडीकैप पर्सन है तो हैंडीकैप डालना है, जो भी है अगर कुछ भी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करके डालना है और आगे जाना है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल डिटेल्स, यहाँ पे आपके जो पेरेंट्स है उनके यहाँ पे अगर पेरेंट्स सर्विस करते तो सर्विस लिखना है, फार्मर है तो फार्मर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उनका जो भी एनुअल इनकम ऑफ गार्डियन मतलब जो साल का इनकम है उनका, तो यहाँ पे वो एंटर करना है, पूरे साल का इनकम एंटर करना है। हाँ, और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आएगा अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यहाँ पे फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करना है। फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ड्राइव में से फोटो सिलेक्ट करना है, उसको क्रॉप करना है और उसको अपलोड करना है। अपलोड करते ही यहाँ पे आपको दिख रहा है फोटो एंड साइन प्रीव्यू करके दिख रहा है, यहाँ पे आपको इमेज अपलोड हो जाएगा। जैसे आपने फोटोग्राफ्स अपलोड किया वैसे ही आपको साइन अपलोड करना है, सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद क्रॉप करना है, अपलोड करना है, और सेम जैसे इमेजेस फोटोग्राफ्स का शो हो जाएगा वैसे ही आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी दिखाई देगा। तो ये दोनों भी चीज ध्यान में देखना है और आप अपलोड हो जाएगा, उसके बाद ही आपको प्रोसीड करके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आएगा आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स। कॉन्टेक्ट डिटेल्स यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपने कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दोनों भी चीज डाले हैं, तो सेम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और सब आपके पेरेंट्स का जो नंबर है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यहाँ पे पेरेंट्स के नंबर यहाँ पे एंटर करना है। अल्टरनेट ईमेल आईडी, यहाँ पे अगर आपका ईमेल आईडी डालते हो तो यहाँ पे आपके ब्रदर सिस्टर्स या तो पापा का जो भी जिसका भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको कंपल्सरी आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ये स्क्रीन शो हो रहा है जो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाया था आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहला, तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है कि क्रॉस मार्क्स था, अभी क्या दिख रहा है आपको राइट क्लिक करके आ रहा है, मतलब आपने ये पूरा डिटेल्स आपने फिलअप किया है और मैंने बोला था कि आपको ये सर्कल ब्लैंक दिख रहा था, अभी क्या दिख रहा है ग्रीन कलर यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब आपने ये जो पूरा फॉर्म है वो फिलअप किया है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म प्रोफाइल डिटेल्स इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे प्रोफाइल समरी करके आ जाएगा, मतलब आपने जो फॉर्म फिलअप किया है पर्सनल डिटेल्स कॉन्टेक्ट डिटेल्स एड्रेस डिटेल्स रिजर्वेशन और एजुकेशन ये सब कुछ आपने फिलअप किया तो ये यहाँ पे आपको शो किया जाएगा। आपका पर्सनल डिटेल्स है ये प्रॉपर वापस वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म प्रोफाइल एंड अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपको वापस एजुकेशनल डिटेल्स आएगा, मतलब आपको ये पूरा डिटेल्स आपने जो भरा हुआ है वो वापस एक बार वेरीफाई करना है कि प्रॉपर आपने भरा है कि नहीं, उसके बाद ही आपको कंफर्म प्रोफाइल एंड अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन प्रोग्राम। प्रोग्राम माने आप जो कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो वो कोर्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे बीकॉम डाल देते हो
तो यहाँ पे मतलब आपको जो भी कोर्स किए, बीकॉम, बीएमएस, बीबीए, जो भी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई बटन है, अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो इसके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके शो हो रहा है, मतलब आपने जो कोर्सेज सिलेक्ट किया है उसके बारे में यहाँ पे जो जो क्राइटेरिया चाहिए उसके लिए वो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना जरूरी है। मतलब समझो आपने बीकॉम के लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, लेकिन आप बीएमएस और बीपीआई लेते हो तो आपको 45% या अबो आपको मिलना कंपलसरी है। तो उसके बाद ही आप बीएमएस और बीपीआई के लिए एडमिशन ले सकते हो। इसलिए ये प्रॉपरली जो क्राइटेरिया है वो आपको ये पढ़ना है केयरफुली, उसके बाद ही आपको एग्री बटन के ऊपर क्लिक करना है। एग्री बटन के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको बोला है लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब जो आपने लास्ट एग्जाम है उसको सिलेक्ट करना है। अभी तो फिलहाल आपने 12th का एग्जाम दिया है, मतलब यहाँ पे आप 12th एग्जाम को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पे मैं बता रही हूँ वॉन्ट टू अप्लाई फॉर इन हाउस सीट्स, मतलब अगर आप इन केस आप जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट हो, पटुक जूनियर कॉलेज, तो अगर पाटक पटुक वाला कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में आप एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे आपको वॉन्ट टू अप्लाई फॉर इन हाउस सीट्स, मतलब वही कॉलेज में आपको एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दिया है वॉन्ट टू अप्लाई फॉर माइनॉरिटी सीट्स। माइनॉरिटी सीट्स यानी कि पर्टिकुलर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये ऑलरेडी पारसी माइनॉरिटी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर आप पारसी कैटेगरी में हो तो यहाँ पे आपको वॉन्ट टू अप्लाई फॉर माइनॉरिटी सीट्स में आपको क्लिक करना है। उसको क्लिक करते ही उसके बाद में आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपको आएगा लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में आपको यूनिवर्सिटी अंडर जितने भी कॉलेजेस है उसका सबका लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टार्टिंग आपको मैंने बोला था कि पटुगला कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कॉलेज कोड 628, तो मैंने इसलिए कॉलेज कोड आपको याद रखने के लिए बोला था 628, क्योंकि यहाँ पे अगर 628 डाल देते हो, आप सर्च में डाल देते हो, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पटुगला कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 628 कॉलेज कोड ऐसा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको सिलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और कॉलेज का नाम, कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है, इसलिए आपको मैंने बोला था 628 आपको याद रखना है। उसके बाद कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे शो किए जाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल्स में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंपलसरी कोर्स यहाँ पे आपको दिख रहे, कंपलसरी कोर्स मतलब ये आपको कंपलसरी है तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। एक टिक मार्क करते ही पूरा टिक मार्क हो जाएगा क्योंकि वो कंपलसरी कोर्स है। उसके बाद आपको ऑप्शनल यहाँ पे बोला है, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है कौन से एक कोर्स के लिए, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ही आपको प्रोसीड करके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड करते ही यहाँ पे आपको जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अभी जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे डाले हैं वो सब आपको दिख रहे हैं। उसके बाद आपको सेकेंड सेमेस्टर 13 में आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दो टर्म रहते हैं, तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर के तो सिलेक्ट किए सब्जेक्ट, उसके बाद आपको सेकेंड सेमेस्टर के सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको एड नेक्स्ट टर्म कोर्स करके उसके ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट सिलेक्ट किए वैसे ही आपको सेकेंड टर्म के सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कंपलसरी कोर्स जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैंने बोला कि आपको सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको ऑप्शनल करके है तो उसमें आपको एक सिलेक्शन करना है सेकेंड टर्म का, जो आपने फर्स्ट टर्म में किया वैसे ही आपको सेकेंड टर्म में सिलेक्ट करना है और बाद में आपको प्रोसीड बोलना है।
प्रोसीड बोलते ही आपको यहाँ पे जो आपने सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में सिलेक्ट किए हैं तो आपका पूरा समरी आ जाएगा, जो आपने सिलेक्ट सब्जेक्ट किए है ना उसका आपको पूरा समरी यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको वापस प्रोसीड करके ऑप्शन क्लिक करना है। प्रोसीड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सबमिटिंग विद एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आपको जो एप्लीकेशन आप फॉर्म भर रहे हो जो कोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन बोला है। आपका 12th का मार्कशीट कंपलसरी रहता है, उसके बाद 10th का मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, आप अगर कास्ट में हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, डोमेसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो तो यहाँ पे आपको जो बॉक्स दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, एप्लीकेशन स्टेटस, मतलब आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया है वहाँ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो आपने कौन से कॉलेज के लिए सिलेक्ट किया है, कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट किया है, जो भी डेट में आपने एप्लीकेशन भरा है उसका डेट यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन आपने भरा है उसका स्टेटस दिख रहा है कंप्लीटेड करके, और उसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ये आइकॉन दिख रहा है, मतलब आपको प्रिंट निकालना है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। तो ये स्क्रीन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट योर ई सुविधा टिकट, प्रिंट योर ई सुविधा टिकट के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो ई सुविधा टिकट है ये आपके पास ही रखना है, ये कहाँ पे भी सबमिट नहीं करना है, कौन से कॉलेजेस में सबमिशन नहीं करना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसमें आपको वेरिफिकेशन कोड मिल रहा है। ये वेरिफिकेशन कोड आपको जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म निकालते हो तभी आपको ये यूजफुल है, इसलिए इसको आप जो ई सुविधा टिकट है इसको संभाल के रखना है, और बाद में ये वेरिफिकेशन कोड आपको कहीं पे भी नोट डाउन करके रखना है। तो ये जो ई सुविधा टिकट है उसका प्रिंट निकालने के बाद आपको यहाँ पे प्लीज एंटर द वेरिफिकेशन कोड प्रिंटेड ऑन योर ई सुविधा टिकट, जो मैंने बोला यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने भरा हुआ है वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये फॉर्म डिस्प्ले होने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है, अभी देखो यहाँ पे पटुगला कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 628 ये कॉलेज आपने सिलेक्ट किया था, तो ये कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उसका कॉलेज का कोड भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको जो कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, बीकॉम, बीएमएस, बीपीए, जो भी आप कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये प्रॉपरली आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको ये फर्स्ट पेज आपको शो करेगा, आपका नाम, आपका जो भी आपने पर्सनल डिटेल्स डाले थे वो सब आपको यहाँ पे वापस एक बार वेरीफाई करना है। ये आपको आएगा सेकेंड पेज, सेकेंड पेज में आएगा गार्डियन डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, अदर इंफॉर्मेशन, जो भी आपने फिलअप किया ये सब आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आप प्रिंट निकाल सकते हो। यू कैन अप्लाई टू मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस बाय रिपीटिंग सेम प्रोसेस। अगर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए भी अगर आपको मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए आपको ये अप्लाई करना है तो सेम प्रोसीजर करना है, कॉलेजेस भी आपको मल्टीपल करना है तो सेम प्रोसेस वैसे ही करने हैं। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट इट इन अ कॉलेज। वैसे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने दिखाया उसका प्रिंट निकालना है और कॉलेज में सबमिशन करना है। थर्ड वन पॉइंट है, यू कैन यूज ऑनलाइन चैट सपोर्ट फॉर FAQ। आप अगर हेल्प चाहिए तो ऑनलाइन चैट सपोर्ट फॉर FAQ का हेल्प ले सकते हो। थैंक यू। हेलो। हाय योगिता। हाँ मैम। A very good evening to all. It was very apt and a great initiative by Patagala College of Commerce and Management.
for organizing this orientation at the right time when the Maharashtra board is about to declare their HSC results. And soon after that, the online admissions will be open for degree colleges. I thank the principal, admission committee members, non-teaching staff of Patagala College of Commerce and Management for arranging this important demonstration on online admission procedure to degree colleges under University of Mumbai. This guidance will really help students to fill up the online admission forms when they cannot move out of their homes in this pandemic period. I'm very much thankful to Mr. S.M. Singh, Vice Principal of Patak Junior College, and Mrs. Jyoti Rashinkar, HOD of Science Section, Patak Junior College, for helping us with the students' contact numbers and communicating with them about our orientation program. I thank all the participants for attending the session on this new online platform. This shows your willingness and readiness